हेलो गाइस, आज की वीडियो में भाई एकदम धमाका होने वाला। तो गाइस मेरे पास काफी सारे आरसी टैंक्स हैं। आज आरसी टैंक्स के साथ काफी सारे धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स मैं करने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए देखो गाइस, दो बहुत ही खतरनाक चीजें मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। पहली चीज है ये फेविकॉल। तो भाई आज इसके अंदर मिक्स करेंगे रैट मैट का ग्लू। दूसरी चीज है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अंदर भी आरसी टैंक्स को चला के देखते हैं गाइस। बहुत ही धमाकेदार ट्रैक मैंने बना दिया है। देखते हैं गाइस आज के ट्रैक के ऊपर कौन सा आरसी टैंक जीतता है। तो चलो पहले आपको मैं टैंक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद ट्रैक भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली टैंक ये है टाइगर टैंक। इसके अंदर भी देखो गाइस इस तरीके के बेल्ट है और बेल्ट के अंदर इतने ढेर सारे टायर्स वगैरह भी लगे हैं। देखते हैं गाइस क्या आज ट्रैक के ऊपर ये टैंक चल पाएगा या फिर नहीं। और ये टैंक मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है गाइस, क्योंकि इसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल कैमरा लगा है। यहाँ पे ये कैमरा को हम लोग रिमोट के हेल्प से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी इस तरीके का बेल्ट है, इस तरफ भी बेल्ट है। नीचे की तरफ बहुत सारे सेल्स डालने पड़ते हैं इसको चलाने के लिए, और इसको हम लोग कंप्लीटली फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखो गाइस, ये है अब्राम टैंक। ये बहुत ज्यादा बख्तर बंद होता है, इसका आर्मर बहुत ज्यादा कमाल का होता है। अब ये है ईशिन का टैंक। भाई ये टैंक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसको देखो। ये है SG-102 टैंक। इसके अंदर इस तरीके के रबर के बेल्ट्स लगे होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पीछे की तरफ एक बूस्टर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसकी बॉडी कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है। तो चलो गाइस अब चलते हैं फटाफट से ट्रैक के पास। ट्रैक के लिए मैंने एक सेपरेट कंटेनर बनाया है। वो कंटेनर के अंदर पहले फेविकॉल डालेंगे, फिर ये कुकिंग ऑयल डालेंगे, फिर गाइस रैट ट्रैप का ग्लू निकाल के फेविकॉल के अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक काफी बड़ा ग्लास का ट्रे है, इसके अंदर पहले हम लोग डालने वाले हैं ये फेविकॉल। फिलहाल इसको मैं खोल देता हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से दबा देना। ये ओपन कर लेता हूँ गाइस इसको मैं। यहाँ से डिब्बा फुल फेविकॉल आ चुका है। अब डालते हैं ये फेविकॉल को ये ट्रे के अंदर। अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा चिपचिपा फेविकॉल है। देखते हैं गाइस ये ट्रे के अंदर कितना फेविकॉल आएगा। अगर ये कम पड़ेगा ना तो मैं और फेविकॉल खरीद के लाने वाला हूँ अभी जाके। अब इसके अंदर रैट ट्रैप के ग्लू को भी मैंने डाल दिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं गाइस, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेट कर रहा हूँ। ये देखो काफी ज्यादा चिपचिपा है यार। यहाँ पे देखो थोड़ी देर दोनों को रखने के बाद ये इस तरीके से सेट हो चुका है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती है अपने टैंक्स के साथ। एक तो यार नीचे ग्लास होने के कारण टैंक के जो ट्रैक्स है वो फिसल सकते हैं, बाकी दूसरी चीज जो है फेविकॉल होने के कारण ट्रैक्स कंप्लीटली इसके अंदर जकड़े भी जा सकते हैं। तो अब आ जाओ ये ट्रे के अंदर। यहाँ तक तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। देखते हैं गाइस कौन सी टैंक अपने फेविकॉल के अंदर से निकल के आती है। अब डालते हैं इसके अंदर ये कुकिंग ऑयल। इसके अंदर बहुत ही खतरनाक वाला ऑयल डाल के चलाएंगे। ये देखो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, इधर भी डाल देता हूँ पूरा। ये कुकिंग ऑयल को मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं पे ही यूज कर लेते हैं आज ट्रैक बनाने के लिए। मैंने इतना ढेर सारा कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होने के कारण हमारा जो कुकिंग ऑयल है इसके अंदर बिल्कुल भी दिखाई तक नहीं दे रहा है। ठीक है गाइस, ये कंटेनर के अंदर भी मैंने ऑयल डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब आ जाओ इधर, यहाँ पे है एक बहुत ही खतरनाक वाला रेत का टीला। और देखो ये काफी ज्यादा अनइवन, यानी कि इसका सरफेस काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है और ये एक तरफ टिल्ट भी है। जैसे मैं टैंक को चलाऊंगा तो टैंक इसके अंदर फंस भी सकती है या फिर टैंक एक तरफ गिर भी सकती है। बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ भी डाल रखे हैं। उसके बाद कंकड़ खत्म होने के बाद यहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर भी रख दिए हैं। टैंक को बहुत ज्यादा पावर लगा के यहाँ से निकल कर गाइस यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद हमारी टैंक को फुल पावर जमा करके ये तीन ट्यूबलाइट्स को फोड़ना पड़ेगा। आज का जो ट्रैक है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर जो भी टैंक इन ट्यूबलाइट्स को फोड़ेगी वो आएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बना दिया है एक बहुत ही बड़ा सीसॉ। देखो गाइस हमारी टैंक को इसके ऊपर चढ़ाई करके यहाँ तक आना पड़ेगा। उसके बाद टैंक के वजन के कारण ये जो सीसॉ है इस तरीके से नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमारी टैंक चढ़ाई करेगी इसके ऊपर, ये रैंप के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो ये 70 डिग्री की क्लाइंबिंग है। जो भी टैंक यहां तक पहुंचेगी वो होगी आज के ट्रैक की विनर। देखते हैं गाइस कौन जीतता है आज। चलो अभी इसको सीधा उतारते हैं फेविकॉल के अंदर, देखते हैं गाइस ये कितनी मजबूती से चल पाएगी। ओ भाई मैंने उतार दिया है इसको फेविकॉल के अंदर। ओ भाई साहब ये तो शुरुआत में ही फंस गई है।
ये तो काफी ज्यादा मुश्किल से चल रही है यहाँ पे। ये देखो गाइस, इसके अंदर रैट ट्रैप का जो ग्लू मैंने डाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर से दोबारा कटकटाने की आवाज भी आने लग रही है। अभी इसके अंदर मैंने फुल पावर दे दिया है। फेविकॉल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके ट्रैक्स को ये फेविकॉल पूरी तरीके से जकड़ चुका है। मैं इसको चला रहा हूँ पर ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके तो यार यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करने लग रहे हैं। अब तो यार हद ही हो गई, देखो ये कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। इसको हटाते हैं। अरे बाप रे गाइस, ये तो काफी ज्यादा चिपचिपी हो चुकी है यार। देखो फेविकॉल किस तरीके से नीचे टपक रहा है। मेरे को नहीं लगता गाइस ये आगे बढ़ पाएगी, तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं अभी यहाँ से। गाइस अब ये टैंक को मैं चला के देखने वाला हूँ। ये टैंक काफी ज्यादा शोर मचा रही है यार। सीधा इसको उतारते हैं फेविकॉल के अंदर। ये मैंने उतार दिया है। अबे भाई ये क्या हो रहा है गाइस आज? मेरे को लगा था कि ये टैंक थोड़ा तो भी चलेगी, पर ये तो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रही है और इसके अंदर से भी एक अजीब तरीके की आवाज आने लग रही है। मेरे को लग रहा है फेविकॉल ने इसकी पूरी तरीके से वाट लगा रखी है। इसको मैं थोड़ा सा उठा के आपको दिखा देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है यार। मेरे को लग रहा है कि इसकी जो मोटर है उसके अंदर पूरा का पूरा फेविकॉल घुस चुका है, इस वजह से ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब इसको भी मेरे को ट्रैक से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ट्रैक के ऊपर चलाने वाला हूँ आई स्पाई टैंक। ये इसका इंटरफेस है। इसके साथ बिल्कुल भी रिमोट नहीं मिलता है। फोन के अंदर ऐप डाल के ये टैंक को चलाना पड़ता है। इसके कैमरा को हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं और इस तरीके से नीचे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। चला रहा हूँ गाइस मैं भी इसको। ये देखो मैंने इसको उतार दिया है। ओ माय गॉड, इसकी पावर तो देखो यार कितनी ज़्यादा लाजवाब है। ये तो एकदम मस्त तरीके से चल रही है यार, इतने खतरनाक से फेविकॉल के अंदर भी। ठीक है, ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं। भाई मेरे को तो लगा था कि ये पहले में ही रुक जाएगी, पर ये लो भाई हो चुकी है गड़बड़। इसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। इससे आगे ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही है। इसके ट्रैक्स भी यहाँ पे स्लिप हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखो इसकी हालत कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसके नीचे और इसके ट्रैक्स को यार पूरी तरीके से फेविकॉल ने पकड़ लिया है। इस वजह से गाइस मेरे को लग रहा है मोटर ओवरहीट होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। कनेक्शन कम्प्लीटली इससे कट हो चुका है इसका। ये टैंक भी इसके अंदर चलने में हार मान चुकी है। अब तक तीन टैंक्स यहाँ पर आकर खराब हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं गाइस, अब मैं चलाने वाला हूँ ईशीन आरसी टैंक को। देखते हैं क्या ये फेविकॉल के अंदर से निकल पाएगी या फिर नहीं। वो हो भाई, क्या ही खतरनाक सा जंप था यार। अब देखो इसको धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ओ माय गॉड, इसके ट्रैक्स की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है यार। अरे बाप रे, ये काफ़ी इजीली चल रही है गाइस। देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, रिवर्स ले रहा हूँ मैं इसको। भाई ये टैंक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी इजीली चल रही है। देखो अभी रोटेट करके दिखाता हूँ। ओह ठीक है गाइस, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे ही। देखते हैं क्या ये यहाँ से ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है गाइस इसके साथ? ये तो ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, फिसल रही है यहाँ पे। एक और बार ट्राई करते हैं। ओह बाप रे, ये जंप मार के थोड़ा सा बाहर आ चुकी है। इसको सही कर लेते हैं गाइस, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ अभी थोड़ा सा। ठीक है, आ चुकी है। अब इसको जंप कराते हैं ऑयल वाले ट्रे के अंदर। ये इसने जंप लगा दिया है भाई साहब। देखते हैं गाइस क्या ये ऑयल वाले ट्रे के अंदर चल पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड, काफ़ी इजीली चल रही है भाई ये तो, देख रहे हो गाइस। अब यहाँ पे सबसे मुश्किल वाला रास्ता आ चुका है। देखते हैं गाइस चढ़ा के ऊपर। भाई ये क्या हो रहा है यार इसके साथ, देख रहे हो? ओ गाइस देखो, ऑयल पूरा ये बाहर निकल के आ रहा है इसके ट्रैक को चिपक के। ओहो भाई, इसके साथ तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। काम करता हूँ गाइस, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके एकदम फास्टली यहाँ से जंप कराने के लिए ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको पीछे ले लिया है, अब निकालने के लिए ट्राई करूँगा मैं इसको। ओहो भाई निकल चुकी है यार। ठीक है, अब देखो गाइस पूरी रेत जो है इसके ट्रैक के ऊपर लिपट रही है। अब इसको धीरे धीरे करके मैं रेत के ऊपर चला रहा हूँ। काफ़ी आराम से चल रही है यार। ये देखो गाइस, यहाँ से अभी मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूँ। इसके ट्रैक्स के ऊपर पूरी की पूरी रेत चिपक चुकी है। ओ माय गॉड, अब ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा फिसल रही है ये। ओके, यहाँ तक जैसे तैसे करके हमारी ईशियन टैंक पहुँच चुकी है। चलो अब फोड़ते हैं ट्यूबलाइट्स को। ओहो, ये क्या हो गया गाइस ये टैंक के साथ? टैंक इसके ऊपर जैसे ही चढ़ी है, देखो टैंक का बैलेंस खराब होने के कारण ये इन दोनों ट्यूबलाइट्स के बीच में आके फंस चुकी है। अभी मैं इसको सीधा करने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके, देखते हैं गाइस क्या होता है।
भाई मेरे को तो लगा था कि ये काफी आराम से ट्यूबलाइट को फोड़ के यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये एक टैंक बची है। देखते हैं गाइस क्या ये ट्रैक के ऊपर से निकल के चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं। चलो इसको चलाते हैं। अभी ये आ चुकी है फेविकॉल में। फेविकॉल में आते ही इसका थोड़ा सा बैलेंस खराब हो गया था। देखते हैं गाइस क्या है फेविकॉल में से निकल पाएगी या फिर नहीं। ये टैंक को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है गाइस। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसे ये जंप मार के निकल चुकी है भाई। इसकी बैलेंसिंग काफी ज्यादा मस्त है यार एशियन टैंक से भी। अब इसको मैं उतारने वाला हूँ ये चिपचिपे से ऑयल के अंदर। ये मैंने इसको उतार दिया है। ओ भाई काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है हमारी टैंक। देखते हैं गाइस ये चल पाएगी या फिर नहीं। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा फिसल रही है यहाँ पे। ये देखो गाइस इसके ट्रैक के ऊपर फेविकॉल भी चिपका है और तेल भी चिपकने के कारण ये इस तरीके से बिहेव कर रही है। ये मैंने इसको जंप करा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। इसने जंप भी लगा दिया है। देखते हैं गाइस क्या है रेत में चल पाएगी या फिर नहीं। रेत इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है पर हमारी टैंक बहुत ज्यादा पावरफुल है यार। ओ माय गॉड आप देखो ये कंकड़ में आ चुकी है। कंकड़ में से भी बहुत मस्त तरीके से चल रही है। ये टैंक सिंगल अटेम्प्ट में ही हर एक टास्क को पूरा कर रही है। अब देखते हैं ट्यूबलाइट को फोड़ पाएगी या फिर नहीं। ओ माय गॉड भाई साहब इसने एक ट्यूबलाइट को तो फोड़ दिया है। एक काम करते हैं फिर एक बार ट्राई करते हैं दूसरे ट्यूबलाइट को फोड़ पाएगी या फिर नहीं। अरे बाप रे क्या ही पावर है यार। ये देखो भाई जिसने तीनों ही ट्यूबलाइट का यहाँ पे कचूमर निकाल के रख दिया है भाई मजा आ गया। अब देखते हैं क्या ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि यार देखो सिंगल अटेम्प्ट में ही यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलाऊंगा। ये देखो गाइस यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है। अगर इसके प्लेस में कोई दूसरी टैंक होती ना वो तो पलट के नीचे ही गिर जाती। अब यहाँ पे इसके सामने है 70 डिग्री की क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा। ये अनएक्सपेक्टेड था गाइस। अरे अब यहाँ पे ऑयल लगने के कारण इसके जो ट्रैक्स हैं बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई थी। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर पावर बढ़ाई है ये काफी आराम से ऊपर चढ़ के आ चुकी है और ये है हमारे आज की चैंपियन टैंक। ये ट्रैक के ऊपर बहुत ज्यादा आसानी से जीत चुकी है यार। मेरे को तो भाई यकीन नहीं हो रहा कि ये टैंक इतनी ज्यादा पावरफुल है। ऊपर की जो लाइट है थोड़ी सी टूट गई है बाकी टैंक मेरे को बहुत ज्यादा मस्त लगी। तो गाइस इधर देखो आग लग चुकी है। ये दोनों टैंक्स काफी मस्त तरीके से चल रहे थे। अब दोनों के बीच में टक्कर कराते हैं। देखते हैं गाइस ये भड़कती हुई आग में कौन जीतता है पुशबैक में। चलो स्टार्ट करते हैं 3-2-1 स्टार्ट। दोनों टैंक्स आ रहे हैं यहाँ से टक्कर खाने के लिए। ओ भाई क्या ही सीन था यार एकदम से आग भड़क गई थी। दोनों ही ट्रैक के बाहर जा चुके हैं। एक और बार ट्राई करते हैं देखते हैं इस बार कौन जीतता है। दोनों को टकराने वाला हूं मैं। ये टक्कर ओ भाई साहब देखो ये टैंक यहां पर आकर गिर चुकी है। ओ माय गॉड अरे बाप रे इसको तो पूरी आग पकड़ ली थी भाई। मेरा हाथ जल गया है। अब मेरे को तो लगा था कि ये जली जाएगी पर देखो गाइस ये टैंक यहाँ पर आकर गिर चुकी थी। ये हार चुकी है और ये टैंक यहाँ पर अभी भी खड़ी है। तो ये टैंक है हमारे आज की चैंपियन भाई। इसने तो आज ट्रैक के ऊपर भी कमाल कर दिया था। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपको कौन सी टैंक सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलो अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है शुभ्रजीत, शुभ, सुंदर, राजेश, हुजैर, अनीश, प्रमोद, देवेंद्र, जबीन, साकिब। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पे कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।